अयोध्या में 50 करोड़ रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त शौर्य भवन जनोपयोगी सेवा केंद्र का निर्माण होगा। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर सोनी, महामंत्री संदीप काबरा, संगठन मंत्री अजय काबरा, अर्थ मंत्री रामेश्वर काबरा, नंद किशोर लखोटिया, वीरेंद्र भराड़िया के अथक प्रयासों से शौर्य भवन हेतु भूमि क्रय की गई है। इस प्रकल्प को मूर्ति रूप देने के लिए महासभा के पूर्व अध्यक्ष रामपाल सोनी को शौर्य भवन का चेयरमैन बनाया गया है। यह जानकारी देते हुए संगम उद्योग समूह के चेयरमैन रामपाल सोनी ने बताया कि 86,000 वर्ग फीट में 7 मंजिला बनने वाले शौर्य केंद्र में विश्व स्तरीय ऑडिटोरियम, स्वाध्याय एवं शोध हेतु लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, वर्षा जल संरक्षक, योग, प्राकृतिक व आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था व आम जन के ठहरने के लिए सर्व सुविधा युक्त 200 कमरों का निर्माण होगा। भवन हेतु हरिमोहन बांगड़, सत्यनारायण नोवाल सोलर ग्रुप, रामपाल सोनी संगम ग्रुप, लक्ष्मी नारायण सोमानी इनलैंड ग्रुप, गोपी किशन मालानी जोधपुर, महेश चंद्र बल्दवा हैदराबाद व रामावतार साबू ट्रस्ट ने 3-3 करोड़ रुपए का सहयोग प्रदान किया है। वहीं भवन के ट्रस्टी आरएल नौलखा गोपाल राठी, कृष्ण गोपाल तोशनीवाल भीलवाड़ा, बसंतीलाल कालिया गुलाबपुरा, ओम प्रकाश सोनी जोधपुर, ओम प्रकाश तोशनीवाल किशनगढ़, जयदीप बियानी श्रीगंगानगर, कैलाश खटोट शंकर भाईती अहमदाबाद, रामनिवास मानधनी, कैलाश चंद्र लोहिया जालना, मोहनलाल मनिहार अहमदनगर, पूनम चंद मालू नागपुर, श्याम सुंदर काबरा मुंबई, आनंद बांगड़ उज्जैन, नंद किशोर मालू बांग्लोर, विष्णुकांत भूतड़ा रायचूर, विजय मानधनिया हैदराबाद, बंशीलाल राठी चेन्नई, अशोक सोमानी रेवाड़ी, राजेश संजय मालपानी सांगानेर, गोविंद सारडा कोलकाता, पुरुषोत्तम लोहिया पूना द्वारा 1-1 करोड़ रुपए का सहयोग प्रदान करेंगे। सोनी ने बताया कि अब तक करीब करीब संपूर्ण अनुमानित लागत की सहयोगी राशि पर सहमति प्राप्त हो चुकी है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का सत्स्थल होने के कारण आने वाले समय में बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए महासभा, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा ने निश्चय किया कि एक विशाल शौर्य भवन का निर्माण जो है वो अयोध्या में किया जाए। सभी सुविधाओं से युक्त इस भवन को बनाया जाएगा। इसमें बाहर से आने वाले सीनियर सिटीजन, महिलाओं, युवाओं को ठहरने के साथ साथ वहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास का वाचनालय मिले ताकि वो अपना शोध का काम भी वहाँ पूरा कर सके। एक भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण हो, एक आम आदमी को पीने के लिए एक अच्छा पानी उपलब्ध हो, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। करीब 50 करोड़ की लागत से ये पूरा केंद्र जो है बनने जा रहा है। इस भवन के निर्माण के लिए महासभा के सभापति भाई श्री श्याम जी सोनी, महामंत्री श्री संदीप जी काबरा, अर्थमंत्री रामेश्वर जी काबरा, संगठन मंत्री श्री अजय जी काबरा, नंद किशोर जी लखोटिया, वीरेंद्र जी भराड़िया के अथक प्रयासों से भूमि क्रय का काम पूरा कर लिया गया है। करीब 86,000 स्क्वायर फीट जमीन 13 करोड़ में क्रय की गई है। एक 200 कमरों का सर्व सुविधा युक्त भवन बनाने जा रहा है। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर जी सोनी और संदीप जी काबरा जो सचिव है और इनकी पूरी टीम के अथक प्रयासों से 86,000 स्क्वायर फीट जमीन 13 करोड़ रुपए में परचेज करके 200 कमरों का सर्व सुविधा युक्त भवन बन रहा है। इस भवन के चेयरमैन, भीलवाड़ा संगम उद्योग समूह के चेयरमैन और पूर्व अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के सभापति रामपाल जी सोनी को बनाया गया है। इस भवन की खास बात यह कि 125 वर्ष के माहेश्वरी समाज के इतिहास में 10 दिन में इस ट्रस्ट में 50 करोड़ रुपया एकत्रित या लोगों का दान देने की सहमति प्रदान हो गई है। 7 मंजिला भवन 3-3 करोड़ रुपए के साथ उद्योगपति तैयार हुए हैं। इसके अलावा 25 ट्रस्टी 1-1 करोड़ रुपया देंगे। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय माहेश्वरी समाज द्वारा अयोध्या, चूंकि
नरेंद्र जी मोदी के शिलान्यास के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का अपना एक अलग स्थान हो गया है। ऐसे में समाज के बंधुओं का और अदर समाज के लोगों को रुकने के एक सर्वसुविधा युक्त, इसमें लाइब्रेरी भी हो, अनेक औषधालय हो, इस तरह की सारी सुविधाएं इस भवन में होगी। और ये भवन एक ये इस भवन की विशेष बात ये है कि हमारे जो चेयरमैन है रामपाल जी सोनी और श्याम जी सोनी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सचिव संदीप जी काबरा है, इनका अपना जो वर्चस्व है, इनकी जो ख्याति है, इनकी जो समाज में पैठ है, उसी के चलते 50 करोड़ का भवन मात्र 10 दिन में लोगों को दान देने का आश्वासन प्राप्त हुआ है। और ये भवन राम मंदिर जैसे ही बनकर के तैयार होगा दर्शन के लिए, उसी समय ये भवन भी निश्चित रूप से आमजनों के उपयोग में आने लगेगा। इसमें खाने रहने की सारी शानदार व्यवस्थाएं होगी।